कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अल्लाह से इतना तो शर्मा जितना अपने दीनदार पड़ोसी से शर्माता है। जब कोई बंदा गुनाह करने के वक्त अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लेता है, पर्दे डाल लेता है और मखलूक से छिप जाता है और खलवत में खालिक की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने अपनी तरफ से देखने वालों में सबसे ज़्यादा मुझी को कमतर समझा है कि सबसे पर्दा करना ज़रूरी समझता है और मुझसे मखलूक के बराबर भी शर्म नहीं करता। दुनिया की मोहब्बत से खुदा को पहचानने वाली आँख अंधी रहती है। वो क्या ही बदनसीब इंसान है जिसके दिल में अल्लाह ताला ने जानदारों पर रहम करने की आदत पैदा नहीं की। शिकस्ता कब्रों पर गौर करो कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी ख़राब हो रही है। जिस अमल में तुझे हलावत ना आए, समझ के वो अमल ही तूने नहीं किया। उस वक्त तक तेरा ईमान कामिल नहीं जब तक ज़मीन पर रहने वाले किसी एक शख्स का खौफ भी तेरे दिल में मौजूद है। वो रिस्क की फराखी जिस पर शुक्र ना हो और वो रिस्क की तंगी जिस पर सब्र ना हो फितना बन जाती है। तेरा कलाम बता देगा कि तेरे दिल में क्या है। दुनियादार दुनिया के पीछे दौड़ते हैं और दुनिया अल्लाह वालों के पीछे। मोमिन के लिए दुनिया मेहनत का और आखिरत राहत का घर है। बदगुमानी तमाम फ़ायदों को बंद कर देती है। खुदा के दुश्मनों को राज़ी करना अक्ल व दानिश से दूर है। अगर सब्र ना हो तो तंगदस्ती या बीमारी वगैरह एक आज़ाब है, और अगर सब्र हो तो करामत और इज्जत है। जिसने मखलूक से कुछ मांगा वो खालिक के दरवाजे से अंधा है। तेरी जवानी तुझको धोखा ना दे, ये अनकरीब तुझसे ले ली जाएगी। जिसका अंजाम मौत है उसके लिए कौन सी खुशी है। तू तकब्बुर से नहीं बल्कि तवाज़ो से बड़ा होगा। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों की दवा है। ना महरम औरतों और लड़कों के पास बैठना और फिर यूं कहना कि मुझे उनकी तरफ मुतलक तवज्जो नहीं, झूठ है। अल्लाह तेरे दिल में क्यों दाखिल होगा जबकि तूने उसमें सैकड़ों ही मूर्तियां और बुत जमा कर रखे हैं। मकानों के बनाने में उम्र ख़त्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे, हिसाब देगा तू। ए अमल करने वाले, इखलास पैदा कर, वरना ये तेरी कोशिशें फजूल हैं। अगर तूने अल्लाह भी बुलंद आवाज़ से कहा तो उसकी भी तुझसे बासपुरस होगी कि इखलास से कहा है या रिया से। जब जिक्र दिल में जगह पकड़ जाता है तो बंदे का अल्लाह ताला को याद रखना दायमी बन जाता है, अगरचे ज़बान बंद रहे। आखिरत को दुनिया पर मुकद्दम कर, दोनों में फ़ायदा हासिल करेगा। और जब तूने दुनिया को आखिरत पर मुकद्दम किया तो फिर दोनों में नुकसान उठाएगा। जो शख्स अपने नफ्स का अच्छी तरह से मुअल्लिम नहीं हो सकता, दूसरों का किस तरह से होगा। मोमिन जिस कदर बूढ़ा होता है उसका ईमान ताकतवर होता है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा जो अमल नेक जाहिर हो जाए मैं उस अमल को शुमार नहीं करता, क्योंकि जब लोग देख लें तो हमारे जैसों से इखलास नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए बेहतरीन दौलत वो है जो तुम्हारे कब्ज़े में नहीं है, और कब्ज़े में आई हुई बेहतरीन वो है जो तुम्हारे हाथ से निकल गई है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास बंदे और रब के दरमियान एक राज है जिसे ना तो फरिश्ता जान सकता है कि लिख ले, और ना शैतान कि उसे ख़राब कर सके, और ना ख्वाहिश नफ्स कि उसे अपनी तरफ माइल कर सके। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
मोमिन को गुनाह यूं नज़र आते हैं गोया एक पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है जो उसे पीस कर रख देगा। नज़र उस वक्त तक पाक रहती है जब तक झुकी रहे। दुश्मन से हमेशा बचो लेकिन दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो तुम्हारे ऐसे औसाफ़ बयान करे जो तुम में ना हो, वो तुम्हारे ऐसे ऐब भी बयान करेगा जो तुम में नहीं। अगर तुम अपने नफ्स को हक में मशगूल ना करोगे तो वो तुमको बातिल में मशगूल कर देगा। सखावत दुनिया और आखिरत के ऐबों को ढांप लेती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र दो तरह का होता है। एक सब्र वो है जो मुश्किल और मुसीबतों के अंदर किया जाए। दूसरा सब्र उन चीज़ों से है जिनसे हमें बाज रहने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। जो बदबख्तों में रहेगा नेकों की जमात और उनके पेशवाओं से बदगुमान हो जाएगा। जो बुरे लोगों से मोहब्बत रखेगा वो अपनी नफ्स की बुराई के मातहत होगा, और अगर उसमें कुछ भी भलाई होगी तो वो नेक लोगों के साथ सोहबत पसंद करेगा। जिसके अंदर निफाक नहीं वो दुनिया की किसी चीज़ को भी अपने दिल में जगह नहीं देता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी आरज़ुओं को दिल में मार डालो और दिलों को उनमें मरने ना दो। जो हंसते हुए गुनाह करता है वो रोते हुए जहन्नम में जाएगा। जब तुझे चुप रहने की ख्वाहिश हो उस वक्त बोल, और जब तुझे गुफ्तगू करने की ख्वाहिश हो उस वक्त चुप रह। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की इताअत का हुक्म दो और उसकी नाफरमानी से रोको। मस्जिद में मुनाफिकों की हालत वही होती है जैसी चिड़ियों की पिंजरे में कि दरवाज़ा खुलते ही उड़ जाती हैं। ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना बेवकूफ़ी की अलामत है। जिस बात से तुम दूसरों को रोक रहे हो उसे खुद भी ना करो। जो शख्स इसलिए मजलूम के साथ चलता है कि उसे उसका हक दिलवाए, उसे अल्लाह ताला उस दिन साबित कदम रखेगा कि जिस दिन कदम फिसलेंगे। सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नेक आमाल की लगन रखो। जब रज़ाए इलाही के लिए कोई कलाम करो तो उसे बेहतर अंदाज में करो। अल्लाह ताला की इताअत में लोगों की नाफरमानी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की इताअत में अल्लाह ताला की नाफरमानी ना होने पाए। जिस शख्स ने तुझे राजदार बनाया उसका राज अफशा ना करो। चूंकि जाहिल को इस बात का यकीन होता है कि वो आलिम है, इसलिए वो किसी की बात नहीं मानता। जिस तरह बसारत की एक हद होती है इसी तरह अक्ल की भी एक हद होती है जहां वो ठहर जाती है। मैंने किसी शख्स की इज्जत अगर उसकी हैसियत से ज़्यादा की तो उतनी ही मेरी इज्जत उसकी नज़र में कम हो गई। अपने कानों को फहश कलाम सुनने से बचाओ जैसे ज़बान को फहश से बचाते हो, इसलिए कि सुनने वाला भी कहने वाले का शरीक जुर्म है। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल रोशन फरमा दे तो गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचो, गुनाहों से दूर रहो और कोई ना कोई ऐसा नेक अमल ज़रूर किया करो जिसका इल्म खुदा के अलावा किसी को ना हो। तुम हर एक को खुश नहीं कर सकते, लिहाजा हर काम में खुलूस सबसे आगे रखो। ईमान तीन चीज़ों से मुकम्मल होता है, नेक काम करना और उनका हुक्म देना, बुरे कामों से परहेज़ करना और दूसरों को उनसे बाज रखने की कोशिश करना, अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखना। सबसे ज़्यादा जाहिल वो है जो गुनाह से बाखबर होते हुए भी गुनाह का मुर्तकिब होता है। जब काम ज़्यादा हो तो सबसे पहले उस काम को हाथ में लो जो सबसे ज़्यादा अहम है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہیں، اور جب اس سے پیٹ پھیرتی ہیں تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ برائی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوو تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں، ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، اور دوسرا وہ عمل جس کی مشقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب اسے معلوم ہو ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو وقار بڑھ جاتا ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی امید میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ جب جواب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ نقصان دہ ہو اور جھوٹ بولنا فائدے مند ہو وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے، اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزوئیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے، اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کے متعلق بزرگی کا یقین نہ رکھ۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن
अल्लाह ताला की उम्दा इनायत है। जो शख्स अपना राज महफूज रखने से आजिज़ होता है, वह दूसरों का राज महफूज करने से निहायत आजिज़ होगा। जब बात कम हो जाए तो इंसान अक्सर सही बात कहता है। हर एक से उसकी समझ के मुताबिक बात कर। मुसीबत में घबरा जाना कमाल दर्जे की मुसीबत है। बेवकूफ़ हमेशा ज़रूरतमंद रहता है, अक्लमंद हमेशा गनी रहता है और लालची हमेशा ज़िल्लत में गिरफ्तार रहता है। जो शख्स इल्म हासिल करने में कोताही करता है, अल्लाह उसको मुसीबत में मुब्तला करता है। वाज़े और रोशन तरीन रास्ता हक़ और सदाकत का रास्ता है। बेशक दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स की दो बीवियां हों कि जब एक को राज़ी करता है तो दूसरी नाराज़ हो जाती हैं। कुछ लोग ज़िंदगी भर सोए रहते हैं, जब मरते हैं तब जागते हैं। झगड़े में कूदना बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम खो और नरम गुफ्तार बन जा ताकि तेरे दोस्त ज़्यादा हों। कमीने इंसान को जब बुलंद रुतबा मिल जाता है तो वो सरकशी की राह पर चल पड़ता है। जिस शख्स की नज़र अपने ऐबों पर हो वो दूसरों के ऐब नहीं देखता। पैदाइश मौत की एक कासिद है। जिस शख्स की उम्मीदें कम होती हैं उसके आमाल दुरुस्त होते हैं। गीबत सुनने वाला गीबत करने वालों में शामिल है और बुरे काम पर राज़ी होने वाला गोया उस काम को करने वाला है। गमों के काटो और दुखों की धूल से अपनी आँखों को बंद कर लो, वरना कभी खुशी से ज़िंदगी बसर नहीं कर सकोगे। जब तक कोई बात तेरे मुंह में बंद है तब तक तू उसका मालिक है। जब ज़बान से निकाल चुके तो वो तेरी मालिक बन गई। जब आदमी बेकार होता है तब उसे इश्कबाजी याद आ जाती है। जिस शख्स के अपने ख्यालात ख़राब होते हैं उसमें दूसरों की नस्बत बदज़नी ज़्यादा होती है। जिसने तुझे ज़लील समझा, अगर तुझे अक्ल है तो बेशक उसने तुझे फ़ायदा पहुँचाया। जब तक तू नहूसत का मज़ा ना चखेगा तब तक सआदत की लज्जत महसूस नहीं हो सकती। हर एक बात में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है और हर बात में इख्तिलाफ़ करना दुश्मनी का बाइस है। बेशक अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है कि किसी इंसान पर गुनाह का करना दुश्वार हो। बेहतरीन बात वो है जिससे सुनने वाले को मलाल और उस पर बोझ ना हो। किसी आदत पर गालिब आना कमाल की फजीलत है। तजुर्बे कभी ख़त्म नहीं होते और अक्लमंद वो हैं जो उनमें तरक्की करता रहता है। मुझे उस शख्स पर रहम आता है जिसकी शोहरत तो ये हो कि वो नेक हैं मगर हकीकत में वो बुरा हो। जो हक बात कहने से खामोश रहता है वो गूंगा शैतान है। जो शख्स किसी बात को दिल में छुपाता है वो बात उसकी ज़बान की जुम्बिश और उसकी सूरत से ज़ाहिर हो जाती है। खुशामत और तारीफ़ की मोहब्बत शैतान के दो बड़े दाव हैं। दौलतमंदी की मस्ती से खुदा की पनाह मांगो, ये एक ऐसी लंबी मस्ती है कि उससे बहुत देर बाद होश आता है। तुम्हारा मर्ज तुम्हारे अंदर है और तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारी दवा तुम में है और तुम्हें मालूम नहीं। तुम खुद को मामूली जानदार समझते हो, हालांकि तुम्हारे अंदर तो पूरी कायनात छुपी हुई है। दौलत, हुकूमत और मुसीबत में इंसान की अकल का इम्तिहान होता है। आदमी अगर आजिज हो और नेक काम करता रहे तो इससे अच्छा है कि कुव्वत रखे और बुरे काम ना छोड़े। बेहतरीन दौलतमंदी ये है कि ख्वाहिशात को तर्क कर दो। ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाएगा।
इल्म बयान करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस पर अमल और उसकी हिफाजत करने वाले बहुत थोड़े हैं। इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और तुम माल की हिफाजत करते हो। जो लोग तुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं उनसे हासिल कर, और जो नहीं जानते हैं उनको अपना इल्म सिखा। इल्म की खूबी उस पर अमल करने में और एहसान की खूबी उसके ना जितलाने में है। जिस शख्स का इल्म उसकी अकल से ज़्यादा हो जाता है वो उसके लिए वबाल बन जाता है। जिस बात का इल्म ना हो उसे बुरा ना समझो। हो सकता है कि कई बातें अभी तक तुम्हारे कान तक ना पहुंची हों। साहिब इल्म अगरचे हकीर हालत में हो उसे जलील ना समझ। बेवकूफ़ अगर बड़े रुतबे पर हो उसे बड़ा मत ख्याल कर। दुनियादारों की दोस्ती एक मामूली और अदना सी बात पर दूर हो जाती है। अगर कोई काबिल शख्स दोस्ती के अहल ना मिले तो किसी नाअहल से दोस्ती ना कर। जो शख्स अपनी ज़बान को अपने नफ्स पर हुक्मरान बना देता है वो अपनी वक़ात ख़त्म कर देता है। इंसान अपनी ज़बान के पर्दे के नीचे छुपा हुआ है। ज़्यादा खामोशी से वक़ार पैदा होता है। जिसकी गुफ्तगू ज़्यादा हो उसकी ख़ताएँ ज़्यादा होती हैं, और जिसकी गलतियाँ ज़्यादा हो उसकी हया कम हो जाती है, और जिसकी हया कम हो जाए उसका तकवा कम हो जाता है, और जिसका तकवा कम हो उसका दिल मुर्दा हो जाता है, और जिसका दिल मुर्दा हो जाए वो आग में दाखिल होगा। गुफ्तगू आपके कब्ज़े में होती है जब तक आप उसको ज़बान से ना निकालें, और जब आप उसे ज़बान से निकाल दें तो आप ख़ुद उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए तुम अपनी ज़बान इस तरह महफूज करके रखो जिस तरह अपने सोने चांदी को महफूज रखते हो। इसलिए कि बहुत से कलिमात इस तरह के होते हैं कि नेमत को खींच लेते हैं। तो इस बात पर तो कादिर है कि खामोशी को कलाम बना ले, लेकिन तू इस पर कादिर नहीं कि अपने कलाम को खामोशी बना ले। ज़बान से बढ़कर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर क़ैद किए जाने की हकदार नहीं। गुनाहों पर शर्मिंदा होना उनको मिटा देता है, और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। अगरचे कोई कदर पहचानने वाला ना मिले मगर तू अपनी नेकी को बंद ना कर। बुराइयों से परहेज़ करना नेकियां कमाने से बेहतर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुर्दे को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं हुआ, लेकिन बेवकूफ़ की इस्लाह से आजिज़ आ गया हूँ। इबादत के गुरूर और तकब्बुर से गुनाह की शर्मिंदगी बेहतर है। तू अपने भाई की आँख के तिनके को तो देखता है मगर अपनी आँख के शहतीर को नहीं देखता। जिसके दिल में किसी इंसान के लिए नफ़रत है और वो कहता है कि उसे खुदा से मोहब्बत है तो वो झूठा और मक्कार है, क्योंकि खुदा के बंदों से मोहब्बत ही खुदा से मोहब्बत है। जो तुम चाहते हो उसे सिर्फ इसी सूरत में पा सकते हो जबकि तुम उस पर सब्र करो जो तुम नहीं चाहते। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, क्योंकि खुदा वंदे करीम अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाज और बदकार दोनों पर मीना बरसाता है। किसी की ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। जब किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और तेरी आँख खराब हो तो सारा बदन तारीख होगा। नेक अमल वो है जिस पर लोगों से कोई उम्मीद ना रखी जाए। मौत से बढ़कर कोई सच्ची चीज़ नहीं, और उम्मीद से बढ़कर कोई चीज़ झूठी नहीं।
अकलमंद वो हैं जो कम बोले और ज़्यादा सुने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रब, जब तू मुझे देखे कि मैं जिक्र करने वालों की मजलिस से उठकर गाफिलों की मजलिस में जा रहा हूँ, तू मेरे पाँव तोड़ दे, बिलाशुबा मेरे ऊपर ये तेरा इनाम होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करना वाजिब है, मगर गुनाह से बचना उससे ज़्यादा वाजिब है। पाक नफ्स आदमी शोहरत में औरतों से ज़्यादा शर्माता है। जाहिल का दुनिया में मशगूल हो जाना बुरा है, लेकिन आलिम का दुनिया में मशगूल हो जाना उससे भी बुरा है। गुनाह जवान का भी अगरचे बद है, लेकिन बूढ़े लोगों का गुनाह करना बदतर है। इल्म पैगंबरों की मीरास है और फिरौन और कारून की मीरास माल है। मौत से मोहब्बत करो तो ज़िंदगी अता की जाएगी। मेरी नसीहत कबूल करने वाला दिल मौत से ज़्यादा किसी को महबूब ना रखे। दिल मुर्दा है और उसकी ज़िंदगी इल्म है। इल्म भी मुर्दा है और उसकी ज़िंदगी तलब करने से है। दुनिया और दुनिया की चीज़ें इस काबिल नहीं कि उनसे दिल लगाया जाए, इसलिए कि जो फ़ानी चीज़ों में मशगूल हो गया वो बाकी रहने वाले चीज़ों के साथ महरूम रह जाएगा। बदबख्त है वो शख्स जो ख़ुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। खबरदार, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को हकीर ना समझे, क्योंकि कम दर्जे का मुसलमान भी खुदा के यहाँ बसा औकात बुलंद मर्तबा रखता है। वो उलमा अल्लाह ताला के दुश्मन हैं जो उमरा के पास जाते हैं, और वो उमरा अल्लाह ताला के दोस्त हैं जो उलमा के पास जाते हैं। कुफार से जिहाद जिहाद असगर है, और अपने नफ्स से जिहाद करना जिहाद अकबर है। बुरी सोहबत से तन्हाई और तन्हाई से उलमा की सोहबत बहुत बेहतर है। नमाज को सजदा सहव पूरा करता है, रोज़ों को सदका पूरा करता है, हज को फिदिया कुर्बानी पूरा करता है, और ईमान को जिहाद पूरा करता है। अल्लाह ताला का खौफ उतना ही होगा जितना इल्म है, और उससे बेखौफी उतनी होगी जितनी आपके अंदर जहालत है। हर चीज़ के सवाब का एक अंदाज़ा है, मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं। मांगने वाले का हक़ है कि उसे जवाब दिया जाए, और अच्छा जवाब देना अच्छे अखलाक का तकाजा करता है। जो शख्स ज़बान पर शिकायत नहीं लाता वो खुशगवार ज़िंदगी से हमकिनार होता है। आँख दिल का दरवाज़ा है, और तमाम आफात इसी रास्ते से दाखिल होती हैं। जो लज्जतों की तरफ रग़बत दिलाती हैं, आँख बंद कर लो तो इन आफात से महफूज रहोगे। मोमिन को इतना इल्म काफ़ी है कि अल्लाह ताला से डरता रहे। उस दिन पर रो जो तेरी उम्र का गुजर गया और उसमें नेकी नहीं की। तू दुनिया में रहने के सामानों में लगा है, और दुनिया तुझे अपने से निकालने में सरगर्म है। जिसे रोने की ताकत ना हो वो रोने वालों पर रहम किया करे। ज़बान को शिकवे से रोक, खुशी की ज़िंदगी अता होगी। अल्लाह की मखलूक से तकलीफ़ को दूर कर और ख़ुद पर उठा ले, ये हकीकी सखावत है। हरगिज़ कोई शख्स मौत की तमन्ना नहीं करेगा सिवाय इसके कि उसे अपने अमल पर एतमाद हो। जब तुझसे कोई नेकी छूट जाए तो उसको पा ले, और अगर कोई बदी तुझे आ घेरे तो उससे बच जा। दीन का तालिब अमल में ज़्यादती करता है, और दुनिया का तालिब इल्म में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है।
बुज़ुर्ग बनने से पहले इल्म हासिल करो। जो आदमी ख़ुद को आलिम कहे वो जाहिल है, और जो ख़ुद को जन्नती कहे वो जहन्नमी है। सलाम करना, मजलिस में दूसरों के लिए जगह छोड़ना और मुखातब को बेहतरीन नाम से पुकारना मोहब्बत बढ़ाता है। खुशु और खुजू का ताल्लुक दिल से है, न कि ज़ाहरी हालत से। हंसने से उम्र कम होती है और तुम्हारा रोब ख़त्म हो जाता है। नेकी के बदले नेकी हक की अदायगी है, और बदी के बदले में नेकी करना एहसान है। कम बोलना हिकमत, कम खाना सेहत, कम सोना इबादत, और लोगों से कम मिलना आफियत है। बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापा गनीमत शुमार कर। जो शख्स ख़ुद को हकीर समझता है वो दूसरों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होता है। खलीफा उस वक्त गेहूँ की रोटी खा सकता है जब उसे यकीन हो जाए कि रियाया में हर एक को गेहूँ की रोटी मिल रही है। अपने ज़ेरे कफ़ीन लड़कियों को बदसूरत और हकीर मर्दों के पल्ले ना बांधो, वो तुम्हारी तरह अच्छे साथी पसंद करती हैं। इंसान अपने नमाज और रोज़े से नहीं बल्कि मामला से पहचाना जाता है। बदकारी की कसरत ज़मीन में फसाद यानि जलजला आता है, और हुक्काम के जुल्म व सितम से कहत पड़ता है। सिर्फ वही काम करो कि अगर उस काम के करते वक्त तुम्हें कोई देख ले तो तुमको नागवारी ना हो। अपने मातहतों के लिए ऐसे बन जाओ जैसे अगर तुम खुद मातहत हो तो अपने अमीर को वैसा देखना चाहो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हर वो काम दुनिया है जिससे आखिरत मकसूद ना हो। गुनाह किसी ना किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। जिसने दुनिया को जिस कदर पहचाना उसी कदर उससे बेरगबत हो गया। हया के साथ तमाम नेकियां और बेहयाई के साथ तमाम बदियां जुड़ी हुई हैं। ताज्जुब है उस शख्स पर जो दोजख को मानता है और गुनाह करता है। अपना बोझ मखलूक पर ना डालो, ख्वा वो कम हो या ज़्यादा। हैरत है उस पर जो तकदीर को बरहक जानता है फिर भी जाने वाली चीज़ का गम करता है। ताज्जुब है उस पर जो हिसाब व किताब पर यकीन रखता है फिर भी माल जमा करता है। ताज्जुब है उस पर जो मौत को सच मानता है और फिर भी हंसता है। ताज्जुब है उस पर जो दुनिया को फ़ानी जानने के बावजूद उससे मोहब्बत करता है। जन्नत के अंदर रोना अजीब है, और दुनिया में होते हुए हंसना उससे भी अजीब है। अमीर के 1,00,000 रुपये खर्च करने से फ़कीर का 1 रुपया खर्च करना बेहतर है। जो अपना जूता खुद गाँट लेता है, कपड़े खुद धो लेता है, ग़ुलाम की इज्जत करता है, वो तकब्बुर से पाक है। दूसरों का बोझ उठाना आबिदों की इबादत से बढ़कर है। जो लोगों की बुराई के लिए वक्त निकालता है वो बड़ा गुनाहगार है। मुसलमानों की जिल्लत अपने दीन से गफलत में है, न कि मुफलिसी में। जिसने लोगों का हक ना जाना उसने खुदा का हक ना जाना। ज़बान के दुरुस्त हो जाने के साथ दिल भी दुरुस्त हो जाता है। ऐ इंसान, खुदा ने तुझे अपने लिए पैदा किया है। जो शख्स मुसीबत के वक्त सबसे पहले अपनी तदबीरों फिर अल्लाह की मखलूक की इमदाद से आजिज आकर अल्लाह ताला की जानिब रुजू करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मुंह फेर लेता है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। लोग तुम्हारे ऐबों के जासूस हैं। बुरी बात कहने वाला 3 आदमियों को ज़ख्मी करता है। सबसे पहले अपने आप को, दूसरा जिसकी बुराई करता है, और तीसरा जो उसकी बुराई सुनता है। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाना दुनिया की जन्नत है। बाज़ दफ़ा जुर्म को माफ़ कर देना मुजरिम को और भी ख़तरनाक बना देता है।
ये बेहतर है कि दुनिया तुझको गुनाहगार जाने इसकी निस्बत कि तू खुदा ताला के नज़दीक रियाकार हो। मुत्तकी की एक अलामत ये है कि वो सब लोगों के लिए ये समझे कि वो लोग नजात पाने वाले हैं और अपने मुतालिक ये समझे कि मैं हलाक हो गया। सबसे बड़ा ख़ताकार वो है जो लोगों की बुराइयों को बयान करता फिरता है। ज़बान की लग्जिश कदमों की लग्जिश से ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले को तन्हाई महबूब होती है। जो शख्स तुम्हारी निगाहों से तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझता उसे कुछ कहकर खुद को शर्मिंदा ना करो।